खबरों की रफ्तार लगातार न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शरद। करते हैं रुख केकड़ी उपखंड की ओर, जुड़ते हैं द अजय नरू एक्सप्रेस रिपोर्टर ज्ञाता जैन से, देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। केकड़ी के मुख्य बाजार में उमड़ रही है धूम्रपान सामग्री के तलबगारों की भीड़। 18 साल से कम उम्र के बच्चे और बिना मास्क पहने व्यक्ति भी ले जाते दिखे धूम्रपान सामग्री। लॉकडाउन 5.0 लागू होते ही केकड़ी शहर में बीड़ी और तंबाकू के होलसेल विक्रेताओं के यहां पर तलबगारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान राज्य सरकार की गाइडलाइन, या यूं कहें कि सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, 2 गज की दूरी की पालना की उड़ाई जा रही है धज्जियां। सूचना मिलने के बाद केकड़ी पुलिस पहुंची मौके पर, तलबगारों की भीड़ को किया काबू में। बहरहाल पुलिस को इन तलबगारों को काबू में करने के लिए करनी पड़ी काफी कड़ी मशक्कत। संपदा रोड स्थित बीड़ी विक्रेता और घंटाघर के समीप स्थित तंबाकू उत्पाद विक्रेता की दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। लाइन में बिना मास्क के छोटे बच्चे भी नजर आए नजर, जबकि सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चों को धूम्रपान सामग्री सहित तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद भी वहां पर मौजूद दुकानदार ने इस पर ध्यान न देते हुए सरकारी नियमों की पूर्णतया की अनदेखी। घटना की सूचना पर पुलिस उपनिरीक्षक हजारीलाल मैदल मौके पर पहुंचकर भीड़ को किया नियंत्रित। टेलीफोन सूचना मिली कि काफंडा रोड के एकड़ी पर एक बीड़ी व्यापारी के यहाँ काफ़ी भीड़ हो गई और लोग इकट्ठे होने से सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हो रही। तो मौके पर पहुंचकर सोशल डिस्टेंस की पालना करवाई गई और लोगों को समझाया। और राजकीय जिला अस्पताल के प्रधान चिकित्सक डॉक्टर गणपत राजपुरी के जन्मदिवस पर चिकित्सालय स्टाफ सहित कई शुभचिंतकों ने दी उन्हें बधाई। साथ ही जन्मदिवस के उपलक्ष्य में विजय कोचिंग क्लासेस के निदेशक शुभम विजय वर्गीय शंकर शर्मा सहित कई युवाओं ने राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचकर रक्तदान कर डॉक्टर पुरी के जन्मदिवस पर दी शुभकामनाएं। केकड़ी के बाजार खुलेंगे 13 घंटे। लॉकडाउन 5.0 शुरू होते ही उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने शहर वासियों को दी बड़ी राहत। 13 घंटे के लिए बाजार खोलने की दी अनुमति। मंगलवार से सुबह 7 से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे बाजार। उपखंड अधिकारी राजपुरोहित की अध्यक्षता में सोमवार को संपन्न हुई बैठक में राजपुरोहित ने बताया कि राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार लागू किया गया लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ने के साथ में कई रियायतों को भी किया गया है शामिल। इस क्रम में उपखंड क्षेत्र केकड़ी में सभी दुकानें प्रातः 7 से रात्रि 8 बजे तक खोलने की दी गई है अनुमति। उपखंड अधिकारी ने निर्देश दिए कि इस दौरान दुकानदार स्वयं और मास्क लगाए हुए ग्राहकों से ही करेगा व्यवहार। मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी अनिवार्य रूप से की जाएगी। छोटे दुकानों पर 2 और बड़ी दुकानों पर 5 से अधिक ग्राहक एक समय में नहीं कर सकेंगे प्रवेश। बैठक में ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए बिजली और पानी की पर्याप्त और समुचित व्यवस्था हेतु विभागीय अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। बैठक के दौरान तहसीलदार कपिल शर्मा, पंचायत समिति के विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोदी, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी लालाराम मीणा सहित विभागीय अधिकारी रहे मौजूद। राज्य सरकार द्वारा, गृह विभाग द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है लॉकडाउन 5.0 को लेकर, उसी को ध्यान में रखते हुए दुकानों के समय हमने चेंज कर दिया है, सुबह 7 से लेकर शाम को 8 बजे तक। क्योंकि 9 बजे के बाद तो फिर सब लोग अपने घरों में रहने आवश्यक है। 9 से सुबह 5 बजे तक तो वही रहेगी स्थिति, इसी को ध्यान में रखते हुए शाम को 8 बजे, ताकि 8 बजे के बाद 1 घंटे में व्यक्ति जहाँ भी अपने घर में जाना चाहता है चला जाए, ये ध्यान में रखते हुए सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक का समय कर दिया है। गर्मी का समय है, क्योंकि शाम को 7 बजे तक अंधेरा नहीं होता है लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। लोगों से हिदायत दी गई कि आप सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे, छोटी दुकान के अंदर 2 आदमी और बड़ी दुकान में 5 आदमी से ज़्यादा एक समय में नहीं रहेंगे, उसमें भी दूरी की पालना करते हुए और मास्क आवश्यक रूप से लगाए रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। केकड़ी तहसील क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में ओलावृष्टि से हुआ भारी नुकसान। नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट भिजवाई जिला कलेक्टर को। केकड़ी तहसील में 30 मई को
अचानक आए अंधड़ ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट अजमेर जिलाधीश को भिजवा दी गई है। केकड़ी तहसीलदार कपिल शर्मा ने बताया कि 30 मई को आए अचानक आंधी तूफान बारिश और ओलावृष्टि से केकड़ी क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में भारी नुकसान हुआ है, जिसकी जिलाधीश अजमेर द्वारा रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट में क्षेत्र के देवगांव ग्राम के 3, शंभूपुरा के 1, देवलिया के 4, कनौज के 75, मजरा हरिरामपुरा बघेरा के 19, कावरिया के 19, बघेरा के 7, कुल 127 प्रकरण में कुल मिलाकर 12,78,155 रुपए का अनुमानित नुकसान, जिसमें सीमेंट और लोहे के चद्दर सहित पक्की दीवारें, मकान में खड़े ट्रैक्टर, मूंग की फसल आदि को हुआ था भारी नुकसान। जनहानि की रिपोर्ट पूर्व में ही भेजी जा चुकी है जिलाधीश अजमेर को।